थिएटर की आवाज अब हॉल के बाहर गूंज रही है, मानो जैसे लोगों ने क्या देख लिया हो। समझ गए होंगे आप सभी यहाँ किसकी बात हो रही है। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म जवान फिल्म रिलीज हो गई है और पहले दिन इस फिल्म ने बमफाड़ कलेक्शन कर दिखाया है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार फिल्म जवान का ओपनिंग डे कलेक्शन 75 करोड़ रुपए बताया गया है। शाहरुख खान के फैंस 7 सितंबर की सुबह से ही थिएटर के बाहर जुट गए थे। थिएटर के बाहर जश्न का माहौल बन गया था। ढोल नगाड़े बजे, पटाखे फोड़े गए और शाहरुख खान के पोस्टर पकड़ फैंस ने काफी हल्ला गुल्ला काटा। फैंस के यू जश्न मनाते हुए देख शाहरुख खान ने भी सभी का धन्यवाद किया और अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर अपने फैंस और सोशल मीडिया पर फैंस क्लब का शुक्रिया भी अदा किया। इटली के डायरेक्शन में बनी फिल्म जवान देखने के बाद सोशल मीडिया पर रिव्यू की बहार आ गई है। हर किसी ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहा है, लेकिन कई लोगों ने फिल्म के अंदर कुछ कमियों को भी गिनवाया है, जिस पर इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। वैसे कहा तो जा रहा है कि पूरी मास मूवी है, फुल मसाला पैक। इंटरवल सीन तो जबरदस्त है, लेकिन क्लाइमेक्स से कुछ लोग संतुष्ट नजर नहीं आए। मतलब जैसे सोचा या फिल्म का फर्स्ट हाफ देखने के बाद जो उम्मीद जगी वो कहीं सेकेंड हाफ में जाकर कुछ गई। कहना है कि क्लाइमेक्स सीन पर इंटरवल सीन भारी पड़ गया है। क्लाइमेक्स सीन में वैसा जोश नहीं देखने को मिला जितना इंटरवल में आया था। फिल्म देखकर थिएटर से बाहर आए कुछ लोगों ने कहा कि जवान का फर्स्ट हाफ बहुत धमाकेदार है, जबकि सेकेंड हाफ उसकी तुलना में कम मसालेदार है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि दीपिका पादुकोण, संजय दत्त, सानिया मल्होत्रा के साथ कई किरदार हैं, लेकिन उनमें स्क्रीन स्पेस की कमी है और कनेक्शन भी कम फील होता है, जिससे फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ गई। वैसे तो फिल्म के गाने जिंदा बंदा, चलेया और जवान के थीम की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन बाकी गाने कुछ और बेहतर हो सकते थे ताकि जुबान पर छा जाते। फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो बिना लॉजिक के हैं, जैसे पतले खंबे में दुश्मन की जीप फंसना, जीप पलट गई लेकिन खंबा टस से मस नहीं हुआ। अगर आपने भी फिल्म देख ली है और आपकी भी कुछ इसी तरह राय है तो हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, फिल्म से जुड़ी सभी अपडेट के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ ABP Live।